एशिया कप 2023 के लेकर टीम इंडिया जो अपना तैयारी कर रही है बेंगलुरु में, वहां से बेहद ही बेहतरीन खबर निकल के आ रहा है रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को लेकर। क्या है खबर, इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो बात करें टीम इंडिया का जो प्रैक्टिस कैंप लगा है बेंगलुरु में, वहां पर जमकर सभी खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा कई कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। ऐसे में अब रोहित शर्मा का एक नया पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है बेंगलुरु में। या दोस्तों बता दें कि उनका नया पार्टनर है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो कि इंजरी से जूझ रहे थे, इस वजह से कई महीनों से क्रिकेट से दूर है, लेकिन अब जो खबर है कि श्रेयस अय्यर 100% फिट है और वह बिल्कुल अवेलेबल रहने वाले हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप। इसी वजह से बेंगलुरु में भी जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर के साथ जो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए वह है कप्तान रोहित शर्मा। बता दें कि ये दोनों ने जमकर धुनाई की है गेंदबाजों को। बता दें कि कई नेट बॉलर जो कि शामिल किया गया है स्पेशली नेट प्रैक्टिस के लिए, जो कि बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है कुलदीप सेन है, इसके अलावा उमरान मलिक है जो कि प्रैक्टिस कंटिन्यू करा रहे हैं टीम इंडिया के बल्लेबाजों को। इसके अलावा कुणाल पांड्या भी नेट बॉलर के रूप में भारतीय टीम के स्क्वाड में, जो कि वो भी अभ्यास कर रहे हैं। और बता दें कि रोहित शर्मा बेहतरीन टच में दिखे, कंटिन्यू अच्छा शॉट लगा रहे थे, उनके बल्ले पर अच्छा सा बॉल आ रहा था। इसके अलावा बात करें श्रेयस अय्यर का, तो दोस्तों बता दें कि श्रेयस अय्यर भले 6 महीने से क्रिकेट से दूर हो, लेकिन जब से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं अभ्यास में ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। खबरों का माने तो कंटिन्यू बेहतरीन टच में है श्रेयस अय्यर, जो कि टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। क्योंकि बता दें कि श्रेयस अय्यर डायरेक्ट पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाले हैं एशिया कप 2023 में। ऐसे में श्रेयस अय्यर को 100% फिट रहना बेहद जरूरी है टीम इंडिया के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा यह दोनों बेहतरीन खिलाड़ियों को कैसा रहेगा प्रदर्शन एशिया कप 2023 में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।